पिताश्री ताऊ शोन शीघ्र चलिए माता को वैद्य के पास पहुंचाना है। चलिए तुम सब जाओ वत्स, मेरे कारण तुम्हारे प्रवास की गति धीमी हो जाएगी। नहीं बाबा, आपने मेरी माता की रक्षा का मार्ग दिखाया है। जो मार्ग दिखाता है वो गुरु होता है, ऐसा पिताश्री कहते हैं। वो अपने गुरुदेव का त्याग करके मैं कैसे जा सकता हूँ बाबा? ये किस प्रकार संभव है मदन जय महोदय? एक बालक ने सारे वनवासियों को पराजित कर दिया। एक बालक ने नहीं, गांधार के सेनापति मदन जय ने यह संभव किया है। मदन जय ने। तुम्हारी विपत्तियों से छूट गया तुम्हारा अनुज शनि। अभी मेरी दृष्टि उस पर है पिताश्री। ना मेरी दी गई विपत्तियों का अंत हुआ है, ना मेरी सहायता का। विपत्तियों को तुम सहायता कहते हो? अवश्य पिताश्री। शक्तिमान मनुष्य की असफलता का कारण क्या है? अधीरता। जिस मनुष्य के पास धैर्य होता है उसकी शक्तियां सामर्थ्य बनती हैं। जो मनुष्य अधीर होता है उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। कर्ण को मैं विपत्तियां देकर उसे धैर्य सिखा रहा हूं, वही मेरी सबसे बड़ी सहायता है पिताजी। किंतु तुम्हारी प्रत्येक विपत्ति का समाधान वो निकालता रहेगा पुत्र शनि। अब उसके मार्ग में कौन सी विपत्ति लाने की इच्छा है? सबसे बड़ी विपत्ति पिताश्री आप। आपकी पहली किरण यदि कर्ण की माता को स्पर्श करेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। आपकी पहली किरण से उत्पन्न हुआ पुष्प ही उनकी माता को जीवन दान दे सकता है। आप ही अपने पुत्र की सबसे बड़ी विपत्ति हैं पिताश्री। क्या आप अपने पुत्र के लिए अपनी गति को रोकेंगे? मैं सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ हूं, मैं किसी के लिए अपनी गति को धीमी नहीं कर सकता। तो क्या एक पुत्र अपने पिता को पराजित कर देगा? माता
यही वो पर्वत है महोदय। यहाँ पूर्व से सूर्य नारायण का उदय होता है। पश्चिम में खड़े इस पर्वत की चोटी पर वो दिव्य औषधि सूर्य की प्रथम किरण के साथ पुष्प के रूप में प्रकाशित होती है। और सूर्य भगवान जैसे जैसे यात्रा करते हैं वैसे वैसे उनका प्रकाश इस स्थान पर पहुंचने लगता है। यदि तुम्हारी माता को उस पुष्प को स्पर्श करने के पूर्व सूर्य की किरण ने स्पर्श किया तो तुम्हारी माता की मृत्यु हो जाएगी। कर्ण, यदि भगवान सूर्य की किरणों से भी तेज दौड़कर कोई उस दिव्य औषधि को यहां लाएगा तो इनके प्राणों की रक्षा हो सकती है। मैं करूंगा। मैं प्रातःकाल से पूर्ण वो औषधि अवश्य लेकर आऊंगा। किंतु प्रथम किरण के साथ उत्पन्न होने वाली औषधि को प्राप्त कर रोगी तक पहुंचना असंभव है। मैं अपनी माता के लिए असंभव को भी संभव कर दूंगा। तुम्हारे पिता धन्य, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर। विजय भाव कर। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मैं अपनी गति नहीं रोक सकता पुत्र, मेरे प्रस्थान का समय आ गया है और अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं। इससे आगे तुम्हें अपने बल पर, अपने शौर्य पर जीवन से लड़ना है। आयुष्मान भाव। मुझे आज्ञा दीजिए माता, मेरा वचन है आपको कुछ नहीं होने दूंगा।
से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्म बल भरे जीते हर बार अगर, झूठ ना पाए लक्ष्य हो जाए सूक्ष्म सा छुपा होकर, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ो इसके तन। भगवान सूर्य अपनी प्रथम किरण से मेरी माता के प्राणों की रक्षा कीजिए।
इस घाव की पीड़ा मुझे मेरी माता की पीड़ा का स्मरण दिलाती रहेगी। इस घाव की पीड़ा मेरी आंखों में केवल आंसू लाएंगे। नींद रही For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.